देखिए ऐसा है, काम करना मेरा काम है, अभी आपको कैसा लगे ये आपका निर्णय है, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। दैट इज फॉर द पीपल टू जज मी वेदर आई एम डूइंग लीगल और इलीगल, वो आपके साथ है, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हम काम करने की कोशिश जरूर करेंगे, जो मेरी सत्सद्व्य बुद्धि को अच्छा लगेगा वो मैं करने की कोशिश निश्चित करूँगा। डेवलपमेंट ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू। भाईंदर स्टेशन आणि मिरर स्टेशनमध्ये आसमान पाताचा फरक दिसेल। भाईंदर स्टेशनला अजिबात सुद्धा पार्किंग नाही, लोकांना उभी करण्यासाठी सुद्धा नेमकं रेल्वेच्या जागेमध्ये अत्रे करावं। आणि अजून मिरर स्टेशन असं आहे की अजून हजारो गाड्या जर पुढच्या 10 वर्षात झाल्या तरी तिथे पार्किंग आहे, म्हणजे नियोजनबद्ध शहर काय केलं मिरा रोडला बसवलं गेलं। परंतु भाईंदर जे शहर आहे ईस्ट आणि वेस्ट कुठेही घ्या, परिवहन सेवा 41,000 रुपयात 41 लाखाच्या पेमेंटसाठी त्या शहराची परिवहन सेवा महिनाभरापूर्वी काय झाली, बंद झाली। आणि ज्या ठिकाणी जेसल पार्कला रोडची गरजच नाही तिथे 2 करोड रुपयाचे रोड बनले। अंकुश जी, आज आप जो है नए आयुक्त बी जी पवार सर से मिले, उनसे क्या बातचीत हुई और आपने क्या उनको संदेश दिया सड़क के बारे में और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आज पहले तो आज ये 15 दिन का जो ड्रामा चालू था उसके बाद में नए आयुक्त डी जी पवार साहब ने चार्ज लेने के, शुक्रवार को उनको चार्ज लेने के बाद में हमने पहले तो ये बात कि मीरा भाईंदर की परिस्थिति क्या है, सामाजिक हो या भौगोलिक परिस्थिति हो, वो हम उनको बताने की कोशिश किया। और आज सब लोगों ने भूखे दिया, लेकिन आज हमने उनको संविधान का एक मूल प्रत जो है संविधान का वो दिया। हम अपेक्षा किया है कि संविधान के दायरे में रह के शहर का विकास करिए, किसी के दबाव में मत आना, क्योंकि इधर की जो राजनीति है ओनली फॉर दबाव के लिए, स्वार्थी राजनीति है, अपने स्वार्थ के लिए इस शहर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चले हैं। और उनको ये जानकारी दिया वो कंपनी कैसी है क्या है, वही हमारा मेन मकसद था। और ये शहर जो है मिडिल क्लास का शहर है, तो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में सोचे और उस ढंग से काम करे, जो काम पिछले ब्लॉक है उसको पूरा मत करते हुए या पूरा करते हुए नए टेंडर को रोकिए, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ये हम बताने की कोशिश किए हैं। पवार सर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? हमें उन्होंने ये आश्वासित दिया है कि मैं किसी का दबाव में नहीं आऊँगा, मैं जो कायदे में बैठता है संविधान में बैठता है वो करने की कोशिश करूँगा और वो आपको दिखने मिलेगा। पालिका के कई ऑफिस को ताला लगा दिया गया था, आयुक्त और आयुक्त वर्सेस पॉलिटिक्स ऐसा एक लड़ाई चल रही थी। फाइनली जो है आयुक्त डॉक्टर नरेश गीते जी का ट्रांसफ़र हो जाता है और उनकी जगह पे बीजी पवार साहब आते हैं नए आयुक्त। आपको क्या लगता है कि अब ये जो आए हैं इनके आने से कामकाज में क्या सुधार आएगा? क्या ये भी ऐसा तो नहीं कि ये भी पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे? पॉलिटिक्स के शिकार मतलब सर गए, अगर 5 साल का अगर आप ब्यौरा देखेंगे तो हर आयुक्त एक एक साल के ऊपर काम यहाँ पर कर नहीं चुका है, पॉलिटिकल दबाव यहाँ पर रहता है। और पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसी बदनाम महानगर पालिका है जहाँ एक IAS ऑफिसर को 10वीं और 8वीं पास वाले नगर सेवक और आमदार हो ये सिखा दे कि काम कैसे करते करके, और IAS ऑफिसर जो काम करते हैं वो जनता के हित के लिए रहते हैं। अभी इनको ये चुनौती है कि ये कमिश्नर जनता का है या इधर सत्ताधारी बैठी पार्टी BJP का है, ये देखना है। और पहली बात तो यहाँ के जो विधायक है इन्होंने जो आरोप लगाया कि नरेश गीते काम नहीं करते, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो कौन से काम उन्होंने नहीं किए और कौन से काम उन्होंने रुका है ये भी जनता के सामने लाए। और कितना करोड़ का 100 करोड़ का बोलते हैं कि नरेश गीते आने की वजह से 100 करोड़ का नुकसान हुआ, तो ये भी 100 करोड़ कैसे नुकसान हुआ ना ये भी जनता के सामने अब दिखाए। मेरी तो ये मानना।